हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे फ्लुक्सेन 20 टैबलेट्स के बारे में। यह जो टैबलेट है इसके अंदर अपन कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर दिया गया है फ्लुक्सेटाइन 20 मिलीग्राम। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है और इस टैबलेट का उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह जो टैबलेट है फ्लुक्सेन 20, इसमें जो कंपोजिशन दिया गया है फ्लुक्सेटाइन 20 मिलीग्राम, आखिर क्या काम करता है? तो देखिए, यदि कोई पेशेंट है उसको डिप्रेशन की समस्या है, मतलब कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में गया हुआ है, उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा भय रहता है, यह जो टेबलेट है पेशेंट को डिप्रेशन से राहत देने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट है उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्याएँ रहती है, जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को अलग अलग तरह के विचार आने लग जाते हैं, या फिर कई बार उसको देखिए ऐसी समस्याएँ होने लग जाती है कि उसको परेशानी करने वाले जो विचार अपने मन में आते रहते हैं, जिसके कारण पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो या फिर कई बार उसको देखे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है, या फिर ऐसे उसको जो इमेज है उसके मन के अंदर आते रहते हैं कि कुछ गलत करने का विचार उसके मन में आता रहता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं रहती है उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यह जो टैबलेट है पेशेंट को जो डिप्रेशन की समस्या है, चिंता वगैरह रहती है, मन के अंदर अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं, या फिर उसको कई बार देखिए ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है, मन के अंदर ऐसे ऐसे कुछ इमेजेस आती रहती है जिसके कारण पेशेंट को भय रहता है, तो ये जो सारी समस्याएँ रहती है उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर द्वारा यह जो टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। रिजल्ट आपको इसके बेहतरीन देखने को मिलते हैं। पेशेंट को यदि डिप्रेशन जैसी समस्याएं रहती है तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर यह जो टेबलेट है प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो टेबलेट है आपके ब्रेन में एक केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाकर काम करती है, जिससे क्या होता है कि आपके जो मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, आपके जो शारीरिक लक्षणों के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं उनमें सुधार करने का काम करता है, और आपको घबराहट या फिर आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, तो उनसे राहत देने में यह जो टेबलेट है बहुत ही ज़्यादा राहत देने का काम करती है। बात करें अपने इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो पेशेंट को नींद आने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो उसको नींद वगैरह नहीं आती है, तो इस टैबलेट को लेने के बाद पेशेंट को नींद वगैरह आ सकती है, या फिर घबराहट हो सकती है, या फिर किसी तरह कोई एलर्जिक समस्याएँ देखने को मिले, या फिर किसी तरह की और कोई समस्याएँ देखने को मिले, तो आप इस टैबलेट का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टैबलेट का उपयोग करें। देखिए, बात करें अपने इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो यह जो टैबलेट है पेशेंट को डेली एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको नींद वगैरह नहीं आती है, डिप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, मन में अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंटों के लिए कई बार सुबह और शाम भी यह जो टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें अपने इस टैबलेट की प्राइस के बारे में, तो मैं जिस टैबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ उस टैबलेट की प्राइस है 46 रुपये, जिसके अंदर 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड की और कोई दूसरी टैबलेट का उपयोग करोगे जिसके अंदर फ्लुक्सेटाइन 20 मिलीग्राम दिया गया हो, तो उसकी प्राइस में आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए, उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है फ्लुक्सेन 20 टैबलेट्स के बारे में कि आखिर किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है और इस टैबलेट का उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।